बिल्कुल, तो ओवरऑल आपके सामने रखते हैं कि यूपी की 403 सीटों में हमारा ओपिनियन पोल किस पार्टी को कितनी सीटें देता दिख रहा है। और बहुत इंटरेस्टिंग नतीजे हैं, क्योंकि 403 सीटों में से 300 से ज्यादा सीटें पिछली बार पाने वाली बीजेपी इस बार मैक्सिमम 221 सीटों तक रह सकती है, ये ओपिनियन पोल बताता है। 205 से 221 तक की रेंज है उनकी। समाजवादी पार्टी ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छी कामयाबी पाई, लेकिन बहुमत से पीछे है वो, 144 से 158 तक वो सिमटते दिख रहे हैं। बीएसपी 19 सीटें पिछली बार थी, 21 से 31 तक पहुंचते दिख रहे हैं इस बार। कांग्रेस 2 से 7 सीटों तक, और अदर्स या तो खाता नहीं खुलेगा या बहुत ज्यादा तो 2 सीटों तक रहेंगे, ये ओपिनियन पोल कहता है। वोट परसेंटेज जल्दी से बता देते हैं, वोट परसेंटेज में बीजेपी के पास 40.5% वोट आते दिख रहे हैं, जबकि समाजवादी पार्टी जिसके पास पिछली बार करीब 22% वोट थे, इस बार 37% वोट पाएगी। बीएसपी 15.5%, कांग्रेस 4.99% तक, यानी 5% करीब वोट पा सकती है, और अदर्स यानी अन्य के खाते में 2% वोट रह सकते हैं। मुख्यमंत्री का चेहरा देखें तो सबसे पसंदीदा चेहरा कौन होगा, ये जल्दी से आपको बताते हैं। योगी अभी भी सबसे पहली पसंद बने हुए हैं, 45% से ज्यादा लोगों की पसंद है योगी आदित्यनाथ। करीब 40% अखिलेश यादव को पसंद करते हैं। मायावती को पसंद करने वाले लोग करीब 8.5%। प्रियंका गांधी हालांकि कह चुकी है कि वो सीएम पद की दावेदारी में नहीं है, लेकिन 3% लोग उनको पसंद करते हैं। अन्य 3.5% के आसपास टिकते हैं। तो ये है ओवरऑल ओपिनियन पोल TV9 भारतवर्ष और पोल स्ट्रेट का। तो गौरव ने जो बताया वो सार संक्षेप देख लीजिए। TV9 भारतवर्ष के सर्वे में यूपी में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, यूपी में लगातार दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, लेकिन सीटें घटेंगी। समाजवादी पार्टी नंबर 2 की पार्टी बनेगी, उसकी सीटें पिछले चुनावों के मुकाबले बढ़ेंगी, सिंगल डिजिट में सिमट जाएगी कांग्रेस, और पहले भी हाल यही था। यू स्टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।